नमो नमः। तो साथियों एक बार फिर संस्कृत ज्ञान प्रभात चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विश्राम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आपको अब तक हमारे बनाए गए वीडियो सभी पसंद आए होंगे, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें आप लोग देखेंगे महाकवि भर्तृहरि का जीवन परिचय और उनकी समस्त पद्धतियों को देखेंगे एक कविताओं के द्वारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भर्तृहरि का परिचय एवं सभी पद्धतियां, तो क्या पढ़ेंगे इनको हम लोग, संपूर्ण परिचय हम लोग कविता में देखेंगे। इसमें इनकी समस्त रचनाएं हैं और इनके पिता का नाम है, इनके बारे में संपूर्ण जो परिचय है भर्तृहरि का वो हम यहाँ पर देखेंगे। रचनाओं से संबंधित संपूर्ण रचनाएं और नीति सत्कम में परिगणित समस्त पद्धतियों को हमने कुछ पंक्तियों में लिखा है, सो हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिएगा। विक्रमादित्य थे अनुज आपके पिंगल क्रिया से योग हुआ, गंधर्व सेन स्वामी मालव के जनक रूप संयोग हुआ। गोरखनाथ बसुरात गुरु के जब सानिध्य में आए हैं, माधुरी प्रसाद वैदर्भी रीति ब्रह्मा के भक्त कहाए हैं। प्रिय छंद साधुल शिखरणी मुक्तक के पहले कवि हुए, 57 से 650 के लगभग योगी राज हुए। शतक त्रय के प्रणेता ने बाकी पद यम लिख डाला। तो देखिए साथियों हम लोग पढ़ रहे थे कि शतक त्रय के प्रणेता ने बाक्य पद यम लिख डाला और नीति से श्रृंगार किए बाक्य पद व्याकरण वाला। नीति शतक त्रय के प्रणेता ने वाक्य पद यम लिख डाला और नीति से श्रृंगार किए वाक्य पद व्याकरण वाला। इसके बाद में हम लोग जानेंगे इसकी समस्त 10 पद्धतियों को जानेंगे। सबसे पहले इनके परिचय के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो विक्रमादित्य अनुज आपके, अनुज का मतलब छोटा, तो जो महाकवि भर्तृहरि थे जो योगी राज नाम से जाने जाते हैं उनके अनुज भ्राता का नाम था, यहाँ पर लिखा है अनुज। अनुज किसी का नाम नहीं है, अनुज का मतलब छोटा। तो अनुज भ्राता कौन थे भर्तृहरि के, विक्रमादित्य थे। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, आपके आयोग की दृष्टि से प्रश्न बनता है कि महाकवि जो भर्तृहरि हैं, तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि विक्रमादित्य का, विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भ्राता मानते हैं, तो आपको आंसर देना होगा महाकवि भर्तृहरि को। अच्छा तो ये तो हो गया इनके भ्राता, क्या लिखा, विक्रमादित्य थे अनुज आपके पिंगल क्रिया से योग हुआ, गंधर्व सेन स्वामी मालव के जनक रूप संयोग हुआ। दोस्तों पिंगल क्रिया का मतलब इनकी पत्नी पिंगला रानी थी, जो संभवतः इन्हीं के कारण इनको वैराग हुआ और ये बाद में योगी राज कहलाए। और आगे देखते हैं तो पिंगला तो इनकी रानी हो गई और गंधर्व सेन स्वामी मालव के, गंधर्व सेन इनके पिता का नाम था जो मालव देश के स्वामी थे। और आगे जनक लिखा हुआ है और गोरखनाथ बसुरात गुरु के जब सानिध्य में आए हैं, तो एक गुरु इनके थे गोरखनाथ जी और एक थे बसुरात। ये बसुरात गुरु संभवतः वो गुरु हैं जो बौद्धों के मत में रहे होंगे, जब इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली होगी तभी उन्होंने बसुरात को गुरु बनाया होगा। और इनके काव्य में, जो इनका काव्य लिखा हुआ है उसमें माधुरी गुण प्रसाद गुण वैदर्भी रीति और कहा गया ब्रह्मा के भक्त कहे हैं। ये ब्रह्मा के भक्त का क्या मतलब है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इनके, जब इनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मंगला सूत्र मिलता है नीति सत्कम में, नीति सत्कम एक मुक्तक काव्य है और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मंगला सूत्र है वो कैसे लिखा हुआ है। दिक्कालाद्य अनवचिन्न अनचिन्न मात्र मुहूर्ते स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो वहां पर जो निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा है उसी को प्रणाम किया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं देखिए ब्रह्मा के भक्त कहे हैं, तो ब्रह्मा के भक्त है, इन्हें वेदांत उक्त ब्रह्मा का उपासक माना जाता है महाकवि भर्तृहरि जी को। प्रश्न ऐसे बनेगा कि
वेदांत उक्त ब्रह्मा का उपासक कौन है, तो आपको कहना होगा महाकवि भर्तृहरि है। और इनके प्रिय छंद कोई थे, तो इनका प्रिय छंद शार्दूल शिखरणी, तो शार्दूल और शिखरणी दो छंद है। शार्दूल 19 वर्णों का है, शिखरणी 17 वर्णों का होता है। और मुक्तक छंद में काव्य लिखने वाले ये सबसे पहले कवि माने जाते हैं, लेकिन मुक्तक के पहले कवि हुए, तो मुक्तक में लिखने वाले ये सबसे पहले कवि माने जाते हैं। और 57 ईसा पूर्व से 650 के लगभग, मतलब ऐसा समझ लो आप सब लोग कि संस्कृत के जो कवि हैं उन्होंने कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, तो उनका जीवन जो वृत्त है वो सर्वदा हम लोग यही देखते हैं कि वो अप्राप्य है, तो विशेष प्राप्त सूत्रों के अनुसार और अनुमानों के आधार पर उनके अनुमान उनके समय की कल्पना की जाती है। तो 57 ईसा पूर्व से 650 के लगभग लिखा है, योगिराज मीन्स महाकवि भर्तृहरि हुए। और शतक तरह के प्रणेता थे, इन्होंने 3 शतक लिखे हैं। एक लिखा है पहले ये मान लो श्रृंगार शतक, फिर मान लो नीति शतक, और फिर मान लो वैराग्य शतक। और इसके बाद में एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना मिलती है, इसका नाम है वाक्य पदीयम। क्या लिखा है यहाँ पर, लाइन कह रही है कि वाक्य पद व्याकरण वाला, तो वाक्य पद का मतलब है वाक्य पदीयम, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। और आगे देखिए, तो इतना सब इनकी संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। और आगे अब हमें, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि नीति शतकम में एक मुक्तक काव्य है, और उसमें विषय वर्णन के अनुसार तो 10 पद्धतियां हैं, विषय वर्णन के अनुसार तो 11 हैं, और वैसे 10 पद्धतियां हैं। तो हम लोग देखते हैं वो 10 पद्धतियां केवल चुटकी में याद हो जाएंगी आपको। तो देखिए हम लोग प्रयास करते हैं और ये तय करेंगे कि चुटकी में याद होती है या नहीं। देखिए तो लिखा गया है, मूर्ख को विद्वान मानिए अर्थ दुर्जन ही करते हैं, मूर्ख को विद्वान मानिए अर्थ दुर्जन ही करते हैं, सज्जन उपकार धैर्य से दैव कर्म ही करते हैं। दोस्तों इनको मैंने बड़ी आसानी से याद कर पाया है, इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत आसानी से याद किए हैं। कैसे, मूर्ख को विद्वान मानिए अर्थ दुर्जन ही करते हैं, सज्जन उपकार धैर्य से दैव कर्म ही करते हैं, मूर्ख को विद्वान मानिए अर्थ दुर्जन ही करते हैं, सज्जन उपकार धैर्य से दैव कर्म ही करते हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहेंगे। नमो